हाँ, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है पुलवामा हमले का बदला भारत ने ले लिया है। जी हाँ, 14 फरवरी को पुलवामा में एक सेना के काफिले पर हमला हुआ था। आतंकियों ने, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद जिसमें सेना के काफ़ी जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद लगातार से पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। पूरा देश मांग कर रहा था कि इस हमले का बदला लिया जाए, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मारा जाए, आतंकियों के ठिकाने तबाह किया जाए। बिल्कुल उसी का आज जो है साइड इफेक्ट देखने को मिला है। और रात को करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान में लगभग 50 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के बेस कैंप को तबाह कर दिया। आप मेरे बगल में जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो इस बात के गवाह है कि कैसे भारतीय सेना ने बड़ी ही वीरता के साथ भारतीय सीमा में भारतीय सेना के फाइटर जेट ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी सीमा के अंदर ये देखिए कैसे घुसकर बमों की बरसात की। बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि लगभग 1000 किलो बम भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बरसाए हैं और तमाम पाकिस्तानी आतंकियों के जो है बेस कैंप को तबाह कर दिया गए हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पाकिस्तान ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है, अजहर मसूद की सुरक्षा बढ़ाई है। लेकिन ये हमले के बाद में पूरे भारत देश में जश्न का माहौल है। जी हाँ, इंदौर, भोपाल, तमाम जगहों पर भारतीय पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सेना ने जो ये बदला लिया है पुलवामा हमले का, उसके बाद में इंदौर में एक तरह कहें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। कैलाश विजयवर्गीय इस जश्न में शामिल हुए, तो वहीं भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, भोपाल महापौर ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है। हालांकि सेना ने जो ये जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जो आतंकियों के बेस कैंप को तबाह किए हैं उससे लेकर पूरे देश में जोश का माहौल है, जश्न का माहौल है। आप बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।